एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिनी की ब्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब लोग, होप करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं एकदम मस्त हूँ और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है 6:30 बजे से, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना पड़ा और हम जा रहे हैं सारी, क्योंकि कल पौध निकाली थी, कल का ब्लॉग आपने देखा होगा। और आज मैं दाल लगाने जा रही हूँ धान, और ये ले जा अपने मम्मी को रोटी सब्जी ये टिफिन मुझे, और हम जा सारी। तो चलो हम अगर सारी और बना रहे हैं हमारे ब्लॉग हम, अब ब्लॉग थे लाइक भी करें, कमेंट करें, चैनल थे सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये एक घर है दंत मंजन, गंदे लगा डिंगला, क्योंकि टाइम नहीं मिला ना मेरे को कोलगेट करने का, रोटी बनानी थी, सब्जी बनानी थी, शार लगाने जान था, तो घर है दंत मंजन, इसी से कहां चलो ना चम हो जाते इससे दांत भगी। अब ले जा रही हूँ मैं तुमको जरा, ये देखो हमारे गांव की नहर, और ये देखो हमारे गाँव की स्कूल है, डोबरे स्कूल बोलते है इसको, और इसके पास में व्यू कितना प्यारा है, देख रहे हो डंडी, गर्मियों के टाइम में लोड़ा ऐसे छप लेते रहते हैं यहाँ डंडी में। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ खेत में, और पापा ने एक खेत में हल लगा के तैयार कर दिया धान लगाने के लिए, जहाँ पे कि चाची और दूसरी चाची धान लगा रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी लेट भी पहुंच गई थी, ये पहुंच गए थे 4 बजे खेत में, तो इन्होंने 4 बजे से खेत रेडी कर लिया है। तो दोस्तों ये पहला खेत है हमारा, और मैं आ गई हूँ खेत में धान लगाने के, फर्स्ट दिन है अभी मेरा धान लगाने का, और धान लगाने में मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे अब बहुत दूर दूर, मतलब काफी गैप लगा के धान लगाए जा रहे हैं, पहले हमारे यहाँ पे घने धान लगाते थे, बट अब ऐसा कुछ नहीं, अब गैप में धान लगाना होता है तो बहुत इजी हो जा रहा है, एकदम से खेत खत्म हो जा रहे हैं धान लगा के, पता भी नहीं चल रहा। और आज पापा ने कहा कि हम लगाने वाले हैं 4 खेतों में धान, तो हमें स्पीड दिखानी पड़ेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्पीड दिखा दी अपनी, कि हम ऐसे स्पीड में लगाते हैं धान। 4 खेत लगाना कोई आम बात नहीं होती दोस्तों, बैलों को भी थक लगती है, हमें भी थक लगती है, हमारा कमर ही टूट जाता है, इतनी थक लगती है हमें लोग, तो हम इसलिए स्पीड से धान लगा रहे हैं। और गाइज आप जरूर बताना कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, कि धान लगाना की कोई, मतलब कोई हार्ड काम भी नहीं है, बट हमारे गांव में है तो मतलब ये पहले से ही है, क्योंकि धान लगाने भी बहुत जरूरी होता है, तो हम यहाँ पे लगे थे धान लगाने पे, और यहाँ पे देखो चाची और रेसु लगा रहे थे, तो मैं बना रही थी ब्लॉग, क्योंकि थोड़ा सा रह गया था, और दूसरे खेत में पापा हल लगा रहे थे, तो मैंने कहा ठीक है जब तक आप हल लगाते हो मैं इधर ब्लॉग बना लेती हूँ। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ गाइज, हम अकेले नहीं है यहाँ पे, देखो मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको, वो ताऊ जी भी है वहाँ पे हल लगा रहे, नीचे लोग से लगा रहे नीचे लोग, और ये देखिए, और यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है। तो हमारा एक खेत लगभग कंप्लीट हो चुका है, और पापा आप देख रहे होंगे ना दूसरे खेत में हल लगा रहे, तो ये हमारा दूसरा खेत है जिसमें पापा जी लगा रहे हाल। तो चलिए दूसरे खेत की ओर, गाइस दूसरा खेत में तब दिखाऊंगी, पहले आपको दिखा लेती हूँ घने बादल, मतलब देख के कितना प्यारा व्यू लग रहा है ना, कि पहाड़ों के ऊपर बादल बैठे हों, कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आजकल बरसात में ऐसे ब्लैक ब्लैक ही बादल रहते हैं। सीन देखो दोस्तों, एक देखो, एक लबड़म दो, एक गबड़म दो। तो दोस्तों मुझे लग गई थी प्यास, और पानी लेके आ गई थी मम्मी, ये है छोया का पानी, देखो कैसे लग रहा है, जैसे बर्फ निकाला हो, बर्फ के पानी हो, फ्रिज, ये फ्रिज का पानी नहीं है, ये छोया का पानी है, हमारे यहाँ पे छोया पास में, और तो इस पानी को ऐसे पिया जाता है, नहीं तो आप कहीं कहीं जगह जगह का पानी पियोगे ना उत्तराखंड में आपको जुकाम लग जाएगा, तो हम ऐसे छिपोड़ू लगा के, इसको गढ़वाली में बोला जाता है ना, आप हंसना मत, तो मतलब ये हथेली में रख के पानी पिया जाता है, उसको छिपोड़ू लगाना गाँव में कहते हैं, तो मैं हथेली में ऐसे रख के पानी पी रही हूँ, इससे मैं कहीं कभी पानी पी दूँ मेरे को जुकाम लगता। शहर लगा के हम सड़म आ गए, अब हम इसको खलियाने वाले हैं, ये देखो पूरा हमारा पूर है, इसका हमने घास काटना, फिर इसमें भी हमने धान लगाना है, तो अभी देखो हमारी स्पीड में रेसु कैसे काटते हैं, काटते मेरे रेसु, देखो हाँ ऐसे पकड़ो ऐसे काटो, आज खलियाने का मामला है ना, तो जल्दी जल्दी काटना पड़ता है ना रेसु, ऐसे स्पीड दिखाओ स्पीड, दोस्तों हमारे गाँव में तो स्पीड दिखानी पड़ती है, सुस्त मुस्त को हमारे गाँव में कोई पसंद नहीं करता, सुस्त को तो फैल फैलती दीदी आई ना तो चलो दोस्तों हैं हम काटते घास, तुम बने रहो ब्लॉग में। तो दोस्तों तीसरे खेत को हम बाद में जोतेंगे, उससे पहले हम बैलों को दे देते घास, क्योंकि वो बेचारे यार उन्हें भी थक लगती है, तो हमने 2 खेत जोतने के बाद बीच में बैलों को घास काट के दिए थे, जो घास मैंने काटा। और गाइस बहुत तेज बारिश आने वाली है, तो मुझे यहाँ पे भागना पड़ रहा था किसका घास और किसका क्या, मैंने तो घास छोड़ दिया और अकेले भाग गई, रेसु पता नहीं कहाँ पीछे रह गई थी, मैंने उसको बोला भी कि अब देख सकते हो ना अब बादल कितने, मतलब गरज रहे थे बहुत ज्यादा, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं तो ऐसे ही भाग गई, और रेसु देखो पीछे से भागती, वो भाग नहीं पाई, तो मैं तो चली गई क्योंकि बारिश बहुत तेज थी, मेरा फोन भीग जाता है, हेडफोन भीग जाता है, तो मैं चली गई। कबरेड़ डबरेड़ घर आ गए, कबरेड़ डबरेड़ आ गए घर, बहुत गर्मी हो रहा था नहीं है वो बड़, ये डरो घास, अब बैठो घर जाओ, कान बनेड़ू चाची फर्स्ट क्लास। देखो दोस्तों वो बाबा क्या है यू, व्हाट इज दिस, ओए ओ भाई जी, भाई जी
उन्हें मरे फैली देना। तो दोस्तों गांव में ना लोग पता है क्या करते हैं, छाता नहीं ले जाते, ये चुनटा ये पन्नी से बनाया जाता है ना, इनको लेके रहते हैं। अब लग रहे ना एलियन जैसे, ये देखो जादू बन के सारे जादू बन के घूम रहे। तो आपका स्वागत है मेरे तीसरे खेत में। तो दोस्तों ये देखो भाई है, यहाँ पे तीसरे खेत में हल लगा रहे। तीसरे खेत को जोतने के लिए भाई आ गए थे क्योंकि पापा थक गए थे, तो भाई घर में, तो भाई ने कहा मैं आ जाता हूँ। वैसे तो भाई अपने जॉब पे रहते हैं, लेकिन अभी घर आए थे तो भैया ने कहा तीसरा मैं लगा लेता हूँ। तो भैया यहाँ तीसरा खेत जोत रहे थे, ये रास्ते में हमारा, और यहाँ देखो इस तरह से यहाँ पे पानी निकाला जाता नहर में, और लेट उसको ओपन किया जाता है और फिर यहाँ से पानी निकाला जाता है, और ये पानी जाता है डायरेक्ट खेत में। तो इस तरह से गांव में खेती की जाती है। वैसे तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे तब तक हमारा ये चाचा का बैल ही गिर गया था, क्योंकि ये नहर के रास्ता काफी चौड़ी नहर है, तो यहाँ पे चला जाता है और थोड़ा थोड़ा खेत भी छोड़ा जाता है, लेकिन बैल थोड़ा फिर भी फिसल ही गया। इतनी इजी नहीं होता गाय के लिए जाना, जानवरों के लिए जाना, क्योंकि इंसान तो ये होता है कि समझदारी से पैर रखते हैं लेकिन जानवर नहीं रख पाते। तो भैया ने चौथा खेत भी तीसरा खेत हमारे कर दिया था रेडी। लेकिन गाइज मैं एक बात बताऊं ना, गाँव में हर कोई मेहनती होता है पता है, लेकिन मेरी मम्मी ना कुछ ज्यादा ही मेहनत करती है। ये देख लो फावड़े से लगी हुई थी, कितना बोलते कि मम्मी आप मत करो, भाई हैं, पापा हैं, चाची हैं, हम हैं, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी ना मेहनत ही करती रहती है। तो गाइस पूरा खेत लगाने के बाद ये देखो मैं भी पहुंच गई थी, पूरा खेत लगाया, वहां पे ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी। तो अभी थोड़ा बारिश रुकी तो मैंने कहा रेसू को तू ब्लॉग बना और मैं खेत में धान लगाती हूँ, नहीं तो कोई भी बोलेगा तू तो धान लगा ही नहीं रही है, ब्लॉग ही बना रही है, इसलिए मैंने धान लगाने स्टार्ट कर दिए थे। तो दोस्तों यहाँ पे चाची पता मुझे क्या कर रही है, चाची कह रही है अच्छे से धान लगा, ब्लॉग पे ही ध्यान मत देना, अच्छा अच्छा धान लगा, क्योंकि फिर ध्यान अच्छे नहीं लगेंगे तो रास्ते का खेत है हर कोई देखेगा कि कितने गंदे धान लगा रहे हैं। दोस्तों मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कर दी, बस जय राम जी की, और ये धान लगाना दूसरी बार से ना हो मेरे लिए, बस मैं तो गई, मैंने तो सबको नमस्कार कर दिया। तो चलिए दोस्तों चलते हैं चौथे खेत की तरफ। यहाँ पे देखिए भैया अभी हल जोत रहे हैं, मेरे को तो बहुत सोच के टेंशन हो रही थी कि यार कैसे लगाऊंगी, और बारिश देख सकते हो आप खेतों में, देखो बारीकी से देखो खेत में कितनी जोर से बारिश हो रही है। लेकिन मम्मी चाची सब भीग रहे थे, तो मैंने कहा तुम भीगते रहो, तो मैं तो किनारे में थी। और यहाँ पे मम्मी अब बैलों को धो रही है और वहां पे चाची वो लगा रहे धान। तो बैलों को धोना भी बहुत जरूरी है, बैलों को धो के हमने यहाँ पे, तो भैया ने उनको थोड़ा सा घास भी डाला कि चलो थोड़ा घास देंगे उसके बाद चलते हैं घर। तो बैल खा रहे थे घास, उसके बाद हम अपने आप को धो रहे थे सबके सब धान। तो देखो वहां पे चौथे खेत में लग गया था, अब चाची और सब अपने आप को धो रहे थे, मैंने भी धोया क्योंकि मैं ज्यादा नहर में नहीं जाती, मेरे को लगता है डर, तो मैंने साइड में होके खुद को धोया। चाची तो नहर के अंदर जा रखे घुटने तक पानी है, और यहाँ पे मम्मी लगा रही हम सबके लिए घास, क्योंकि दोस्तों खाली हाथ जाना तो बहुत बेकार है, घास ले जाना बहुत जरूरी, क्योंकि गाय बच ने घास खाना है। और बैल देखो अपना आप चले गए अपने रास्ते, और खाली नहीं जाया जाता काम के टाइम पे, तो बिल्कुल कोई भी खाली नहीं रह सकता। तो दोस्तों अब हम जा रहे घर, ये सब पी रहे चाय। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताना कमेंट में, लाइक सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू सो मच, गुड बाय।